राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कल से दिल्ली में दो दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में छपरा की मेयर राखी रिक्का को बर्खास्त कर दिया। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भूना पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। गोपालगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 बेड के महिला वार्ड का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने किया। कटिहार जिले के कोसेला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर एक बस और ई रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत किसानों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। मौसम विभाग ने कल से पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। आज उत्तर पूर्व भाग में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन का सामना करेंगे।